स्टूडेंट्स, इसमें पढ़ने वाले हैं क्लास सिक्स साइंस का जो चैप्टर हमारा कंपोनेंट ऑफ फूड, उसके हार्ड वर्ड्स कहें या वोकैबुलरी पढ़ने वाले। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो हार्ड वर्ड्स होंगे उनको पढ़ेंगे, साथ में उसकी हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे, साथ में उनकी व्हाट्सएप लैंग्वेज पढ़ेंगे, यानी कि इंग्लिश में उसको पोषक तत्व को ऐसे लिखा गया यहाँ पे है, जैसे ये लिखा है पोषक तत्व, इंग्लिश में वही पोषक तत्व लिखा गया, ऐसे व्हाट्सएप लैंग्वेज होती है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में क्या होगा वो हम लोग, अगर आप चाहें तो सिर्फ हार्ड वर्ड लिखें और उसका एक्सप्लेनेशन जो इंग्लिश में है वो लिख लें, आप हिंदी मीनिंग उसकी ना लिखें। हिंदी मीनिंग उन स्टूडेंट के लिए है जो जानना चाहते हैं कि हाँ इसकी हिंदी क्या होगी, अगर आप डायरेक्टली एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हैं तो आप उस हिंदी मीनिंग को ना लिखें। तो ये हो गया हमारा हार्ड वर्ड, फिर उसकी हिंदी मीनिंग, फिर उसका वो व्हाट्सएप लैंग्वेज जो हम लिखना चाहते हैं, और फिर वो इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग, हार्ड वर्ड्स, हिंदी मीनिंग और एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट जो हार्ड वर्ड्स हैं इस चैप्टर के वो लोग पढ़ेंगे। दिया गया है न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को कहते हैं हिंदी में पोषक तत्व, और ये उसकी व्हाट्सएप लैंग्वेज, Essential substances in food for growth and health. फिर roughage, roughage को हिंदी में कहते हैं कठोर पोषक तत्व, और इसके कहते हैं dietary fiber adding digestion and bowel movements. ठीक है, energy को हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, और इसकी WhatsApp language capacity to do work or provide power derived from food. यानी कि capacity to do work, यानी किसी काम करने की जो power होती है वही क्या कहते हैं एनर्जी होती है। फिर है बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट को हिंदी में कहते हैं संतुलित आहार। ठीक है, फिर ईटिंग वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन फॉर गुड हेल्थ। फिर नेक्स्ट है डाइजेशन, यानी कि पाचन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड फॉर एब्जॉर्प्शन एंड यूज बाय द बॉडी। एंजाइम्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी। एब्जॉर्प्शन हिंदी में कहते हैं अवशोषण। ठीक है, प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर टेकन अप इनटू ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी यानी कि कमी, लैकेज और शॉर्टेज भी कह सकते हैं, या अगर इसको कंप्लीट लिखना चाहे लैकेज और शॉर्टेज ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स और सब्सटेंस इन द बॉडी। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यानी कि अवयव प्रणाली, केमिकल प्रोसेस अकेयरिंग विद इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन लाइफ। एंटीऑक्सीडेंट, सब्सटेंस दैट इनहिबिट ऑक्सीडेशन एंड हेल्प प्रिवेंट सेल डैमेज इन द बॉडी। इम्यूनिटी यानी कि प्रतिरक्षा, बॉडीज एबिलिटी टू रिजिस्ट एंड फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीजेस। मल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, कंडीशन रिजल्टिंग फ्रॉम इन एन एडिक्वेट और अनबैलेंस्ड डाइट लीडिंग टू पुअर हेल्थ। सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बाय कंबाइनिंग सिंपल वंस। एक्सक्रीशन यानी कि उत्सर्जन, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। फाइबर, इनडाइजेस्टिबल प्लांट मटेरियल दैट एड्स इन डाइजेशन प्रमोट बाउल रेगुलरिटी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जाने ना, न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द बॉडी इन अ लार्ज अमाउंट सच एज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट। फिर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट नीड बाय द बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट इंक्लूडिंग विटामिन्स एंड मिनरल्स। वाटर सोल्युबल विटामिन्स यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन्स, विटामिन दैट आर डिसॉल्व इन वाटर एंड नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी इंक्लूडिंग विटामिन सी, बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी। फिर है फैट सोल्युबल विटामिन्स यानी वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन दैट डिसॉल्व इन फैट आर स्टोर्ड इन द बॉडीज फैट टिश्यूज इंक्लूडिंग विटामिन ए डी ई के। सैचुरेटेड फैट, संतृप्त वसा यानी कि फैट दैट आर टिपिकल सॉलिड एट रूम टेम्परेचर आर फाउंड इन एनिमल्स प्रोडक्ट एंड सम प्लांट्स ऑयल, दर कॉल्ड सैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स, असंतृप्त वसा, फैट्स दैट आर टिपिकली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड फाउंड इन अ प्लांट बेस्ड ऑयल, नट्स एंड सीड्स। इस चैप्टर के सेकेंड वीडियो में हमने इस चैप्टर का माइंड मैप पूरा समझाया, यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी शॉर्ट डिफिनीशंस भी हमने उसमें कराई, यानी शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं उसको, माइंड मैप भी कह सकते हैं, जो भी आप समझे वो है उसमें, हर एक चीज के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया उस माइंड मैप। अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो आपको इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी।